बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद अनोखे दिलचस्प हकायक रखने वाले मुल्क की, जो दुनिया के खुश तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ गर्मियों में सूरज गरूब नहीं होता। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत और शाइस्तगी पसंद हैं। दुनिया का सबसे दूर जजीरा इसी मुल्क की मलकियत है। विंटर ओलंपिक गेम्स में ये मुल्क पूरी दुनिया में सबसे आगे है। कोई भी ये नहीं जानता कि इस मुल्क की साहली पट्टी कितनी लंबी है। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल और खूबसूरत रेलवे ट्रैक भी इसी मुल्क में है। इस मुल्क के खूबसूरत तरीन गाँव और लजीज खाने लाजवाब हैं जी। तो आज हम सैर करने वाले हैं नॉर्वे की। टूर का खर्च, वीज़ा और शहरियत का असूल, इंतहाई दिलचस्प हकायक, नॉर्वे में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतजर होते हैं। नॉर्वे का पूरा नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। ये शुमाली यूरोप का एक नॉर्डिक मुल्क है जो स्कैंडिनेवियन के इलाके का हिस्सा है। यूरोप में सबसे ज्यादा पहाड़ी ममालिक में से एक के तौर पर जाना जाता है। दूर दराज आर्कटिक जजीरा जान मेयन और स्वालबर्ड का जजीरा भी नॉर्वे का हिस्सा है। नॉर्वे स्वीडन के साथ एक तवील मशरकी सरहद का इश्तराक करता है। इसकी सरहद शुमाल मशरक में फिनलैंड और रूस, जनूब में इसका गैराक से मिलती हैं। नॉर्वे के पास एक वसी साहली पट्टी है जो शुमाली बहरा ओकियानूस और बहरा ब्रेंटस पर पड़ती है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर ओस्लो है। ग्लॉक्सबर्ग खानदान के हेराल्ड पंजम मौजूदा बादशाह हैं। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,207 मुरबा किलोमीटर है और रकबा के एतबार से यह मुल्क पूरी दुनिया में 61 नंबर पर आता है। नॉर्वे की आबादी 55,14,480 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से नॉर्वे पूरी दुनिया में 120 नंबर पर आता है। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोने है। 1 करोने पाकिस्तानी 26 रुपयों और इंडियन 7.80 रुपयों के बराबर बनता है। स्काइंग नॉर्वे का कौमी खेल है। द मूस नॉर्वे का कौमी जानवर है। द वाइल्ड थ्रॉटेड डिपर नॉर्वे का कौमी परिंदा है। फेरिकल नॉर्वे की कौमी डिश है। नॉर्वेजियन और सैमी ये दो नॉर्वे की कौमी जुबानें हैं। नॉर्वे के अंदर बोली जाने वाली दो अहम जुबानें बोकमाल और नैनो रस्क हैं। ज़्यादातर गैर मुल्की तलबा बोकमाल सीखना पसंद करते हैं क्योंकि ये वसी पैमाने पर बोली जाने वाली जुबान है। नॉर्वे की बोलियाँ डेनिश और स्वीडिश के साथ बाहमी फेहम का इश्तराक करती हैं। नॉर्वे में ड्राइविंग दाई जाने में डोमेन नेम .no है और कॉलिंग कोड +47 है। 1537 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक नॉर्वे डेनमार्क नॉर्वे सल्तनत का हिस्सा था और 1814 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक ये स्वीडन के साथ इतिहाद में था। पहली जंग अजीम के दौरान नॉर्वे गैर जानबदार रहा, यहाँ तक कि इस पर नाजी जर्मनी ने हमला किया था और जंग के अख्ताम तक इस पर कब्जा कर लिया। नॉर्वे अक्वामे मुतहदा, नेटो, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कौंसिल ऑफ यूरोप, एंटार्कटिक टेरिटरी और नॉर्डिक कौंसिल का बानी रुकन है। यूरोपीय इकोनॉमिक एरिया WTO और OECD का रुकन है और शेंजन एरिया का एक हिस्सा है। नॉर्वे के पास पेट्रोलियम, कुदरती गैस, मादनियात, लकड़ी, समुद्री गजा और ताज़ा पानी के वसी जखायर हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री मुल्क की GDP का तकरीबन 1/4 हिस्सा रखती है। आलमी बैंक और IMF की फहरिस्तों में इस मुल्क की फीकस आमदनी दुनिया में 34 सबसे ज़्यादा है। नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा दौलत फंड है जिसकी मालियत 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। आज से 18,000 साल पहले नॉर्डिक का पूरा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ था जो ग्लेशियर की सूरत में था। 10,000 साल पहले दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। इस तरह नॉर्वे का साहिल बर्फ़ से आज़ाद हो गया। इसके बाद यहाँ लोगों ने बसना शुरू किया जो जानवरों का शिकार और माहीगिरी से गुजारा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पत्थरों, दरख्तों, जानवरों की हड्डियों और खाल से हथियार बनाना शुरू किए। ये लोग गारों और खाल के बने हुए खेमों में रहते थे। नॉर्वे की ज़्यादातर आबादी नॉर्वेजियन है। ज़्यादातर गैर मुल्की कौमियतें पोलैंड, स्वीडन, ईरानी, कुर्दिस्तान, पाकिस्तान और इराक से हैं। 74.9% आबादी के साथ सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है। 21.2% वो लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है। 3.1% लोग मुसलमान हैं। 0.8% दूसरे मजाहिब के लोग हैं। नॉर्वे की 579,422 मिलियन GDP के साथ नॉर्वे पूरी दुनिया में 33 नंबर पर आता है। मगरबी साहली इलाकों से लेकर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों तक आपको नॉर्वे में बहुत कुछ मिलेगा। ओस्लो शहर में आप नॉर्वे की सकाफत को देख सकते हैं। कुरार्ज के शुमाल में आबाद तरीन मकामात में से एक स्वालबर्ड हकीकी आर्कटिक पनाहगाह है। इसे पोलर बियर के दायरा का नाम दिया गया है क्योंकि इनकी तादाद
इंसानी आबादी से भी ज़्यादा है। जो आर्कटिक जंगली हयात को देखना पसंद करते हैं, स्वाल बर्ड उनके लिए मिसाली है। ये दुनिया के खुश तरीन ममालिक में से एक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे दुनिया का खुश तरीन ममालिक में से एक है। नॉर्वे की साहली पट्टी दुनिया की सबसे खूबसूरत और नाहमवार पट्टी है और यह तीन समुद्रों बहरा शुमाली, बहरा नॉर्वेजन और बहरा बेरेंटस पर फैली हुई है। गर्मियों में सूरज गरूब नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शुमाली शहर ट्रोमोसो में मई और जुलाई के महीनों में सूरज हर रात सिर्फ 3 से 5 घंटे के लिए गरूब होता है और जून में मौसम गर्मा में सूरज बिल्कुल गरूब नहीं होता। सरफरेस्त मशवरा, अगर आप साल के इस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं तो स्लीपिंग मास्क लाना ना भूलें। दारुल हुकूमत ओस्लो रवायती स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन और जदीद आर्ट का मरकज़ है। नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए नॉर्वे दुनिया के बेहतरीन मकामात में से एक है। दुनिया का शुमाली तरीन सशी रेस्टोरेंट स्वालबर्ड नॉर्वे में वाकया है। सालमन सशी को पूरी दुनिया में नॉर्वे ने मुतारफ़ करवाया। नॉर्वेजन खाने बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हैं। नॉर्वे के रेल के सफ़र को यूरोप में बेहतरीन करार दिया गया है। सबसे ज़्यादा मकबूल रेलवे ट्रैक्स में से एक फ्लैम रेलवे शामिल है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे में से एक समझा जाता है। दुनिया के सबसे लंबी रोड टनल नॉर्वे में है, जिसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। इस टनल की तामीर के ऊपर 110 मिलियन अमरीकी डॉलर का खर्च आया। 1901 ईस्वी से लेके अब तक हर साल नोबल अमन अवार्ड की तकरीब काबिल फ़ख्र मुकाम ओस्लो में होती है। दुनिया का सबसे दूर जजीरा भी नॉर्वे के इलाका में आता है। 1929 ईस्वी से नॉर्वे के ज़ेर इंतज़ाम जनूबी बहरा ओकियानूस में बोवेट जजीरा सियारा ज़मीन का सबसे दूर दराज जजीरा है। नॉर्वे की ज़मीनी सरहद रूस के साथ है, जो 120 मील लंबी है। नॉर्वे में रहने वाले हर शख्स के पास शाया होने वाला सालाना टैक्स का रिकॉर्ड होता है। अक्वामे मुत्तहदा के पहले सेक्रेटरी जनरल नॉर्वेजियन थे। दुनिया की जदीद और कदीम स्कैंग नॉर्वे में ईजाद हुई। विंटर ओलंपिक गेम्स में नॉर्वे दुनिया का सबसे ज़्यादा कामयाब मुल्क है। नॉर्वे ने ओलंपिक की तारीख में किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। नॉर्वे को नॉर्वे के अंदर नॉर्वे नहीं कहा जाता बल्कि नॉर्वेज कहते हैं। ओस्लो नॉर्वे का सबसे डाइवर्स सिटी है। ओस्लो में 648,000 अफराद में से 190,000 अफराद तारकीन वतन के यहाँ पैदा हुए। नॉर्वे दुनिया भर में अपने घने पहाड़ों और शानदार फैजोर्ड्स के लिए जाना जाता है, लेकिन कोई भी यकीनी तौर पर यह नहीं जानता कि नॉर्वे की साहली पट्टी कितनी लंबी है। नॉर्वे लंदन को हर साल क्रिसमस ट्री फ्राम करता है और यह सिर्फ कोई दरख्त नहीं है। दूसरी जंग अजीम के दौरान इनकी मदद का शुक्रिया कहने के लिए ओस्लो सिटी हर क्रिसमस पर बरतानिया को एक दरख्त भेजता है। नॉर्वे के लोग फितरत को बहुत इज्जत देते हैं और फितरत से बहुत प्यार करते हैं। नॉर्वे एक तरक्की पसंद फलाही रियासत है। गैर मुल्की नॉर्वे में आसानी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बस आपके पास नॉर्वे का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। नॉर्वे में प्रॉपर्टी मार्केट कंट्रोल और मुस्तहकम है। मुल्क में रिहाइश की औसत कीमत 4,300 यूरो फी मुरबा मीटर है। कीमतें लोकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। Finn.no वेबसाइट नॉर्वे में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का सबसे अहम चैनल है। आप इस पर रेंट की प्रॉपर्टी भी तलाश कर सकते हैं। नॉर्वे के अंदर औसत सैलरी 4,648 US डॉलर है। नॉर्वे रहने के लिहाज से काफ़ी महंगा कंट्री है। घर किराए पर लेने के लिए 3 से 6 माह के किराए के बराबर भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट दरकार है और तकरीबन घर का एवरेज किराया $950 है। रहने के एतबार से ओस्लो शहर सबसे महंगी जगह है। नॉर्वे के टूर के दौरान एक बजट ट्रैवलर का खर्च पर डे $50 से $100 है और एक मिड रेंज ट्रैवलर का खर्च $150 से $250 तक आ सकता है। नॉर्वे का टूर करने के लिए समर सीज़न सबसे बेस्ट है। दिन बहुत बड़े होते हैं, कीमतें आम तौर पर सस्ती होती हैं और सब कुछ खुला होता है। अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स देखने के दीवाने हैं तो विंटर सीज़न सबसे बेस्ट है। अच्छी और म्यारी सर्विसेज लेने के लिए आप वर्ल्ड एक्सप्लोरर से भी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एनमाई के लिए ईमेल के जरिए रابطہ कर सकते हैं। नॉर्वे का विजिट वीज़ा के हसूल के लिए सबसे पहले बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपके अकाउंट में कम से कम 2,500 यूरो का बैलेंस होना ज़रूरी है। पासपोर्ट की एक्सपायरी कम से कम 6 माह होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब या किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब और आपका रजिस्टर्ड कारोबार वीज़ा के असूल के लिए मददगार साबित होता है। पाकिस्तान से नॉर्वे की टूरिस्ट वीज़ा फीस 80 यूरो है। 6 साल से कम उम्र बच्चे की कोई फीस नहीं है और 6 साल से 12 साल के बच्चे की फीस 40 यूरो है और इंडियन के लिए टूरिस्ट वीज़ा फीस 8,080 इंडियन रुपए है। नॉर्वे का पासपोर्ट दुनिया का 5वां मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिसके ऊपर आप 190 ममालिक का वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं।
नॉर्वे की शहरियत हासिल करने के लिए 7 साल लीगल तरीके से रहना और लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। शादी करके भी आप शहरियत हासिल कर सकते हैं, कम से कम 1 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करके भी आप शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मालूमात से भरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।